और एक और बड़ी खबर गोरखपुर से। गोरखपुर में तेजाबाजी का मामला सामने आया। बता दें आपको, बड़हलगंज थाना क्षेत्र में दबंगों का कहर बरपा है। दबंगों ने सास और बहू पर तेजाब फेंक दिया है। घर में घुसकर दबंगों ने तेजाब फेंका है। बता दें आपको, अस्पताल ले जाते वक्त सास की मौत हो गई है और बहू की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। घर में घुसकर दबंगों ने तेजाब फेंका है। हरिंद्र दुबे हमारे संवाददाता जुड़ गए और जानकारी के साथ। हरिंद्र, आखिर मामला क्या है, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया और बहू की स्थिति इस वक्त क्या है? प्रशांत जी, हम बताना चाहेंगे कि बड़हलगंज थाना इलाके की घटना है, जो कस्बे में तिराहा बोला जाता है। तिराहे पर जो है कि टाटा टी स्टेट, टाटा के जो है कि डिस्ट्रीब्यूटर है राज अग्रवाल, उनके घर पर जो है कि दबंगों ने घर में घुसा है और घुसने के बाद उनकी मां ने विरोध किया है। मां के विरोध करने के बाद उन लोगों ने तेजाब पहले मां को फेंका है, बाद में बहू पर फेंका है। रास्ते में ले जाते समय मां की मौत हो गई है और बहू की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे पुलिस प्रशासन जो है कि आनंद फानंद में जिला अस्पताल के लिए लेकर के रवाना हो गया है। अब रास्ते में अभी तक वो जिला अस्पताल नहीं पहुंचे हैं। फिलहाल दबंग कौन से, क्या विवाद था, इसके बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। बिल्कुल, विवाद की जरूर छानबीन यहाँ पर हो रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस मामले में। अभी इस घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सबसे पहले पुलिस ही पहुंची है और पुलिस ने घायलों को जो है जिला अस्पताल के लिए एक समाजवादी बस जो है कि एम्बुलेंस जो चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उसमें उन लोगों को जो है कि चिकित्सक के लिए जो है कि जिला अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और उन लोगों की छानबीन में जुटी है जिन लोगों ने इस घटना को खारिज किया है। शुक्रिया आपका हरेंद्र, पूरी जानकारी के लिए।